गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड के लेसन नंबर 1 मेरी अभिलाषा नामक पाठ के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि एक छोटा बच्चा किस प्रकार अपने मन की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, उसके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं, वह किस प्रकार अपनी इच्छाओं को बता रहा है। आज हम देखेंगे यहाँ पे सबदर्द। यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। नंबर 1, दमकना। दमकना का मीनिंग होता है चमकना, उज्जवल, चमकता हुआ। अभिलाषा, इच्छा। विहग, पक्षी। नभ, आकाश। निर्मल, स्वच्छ। शशि, चंद्रमा। अविचल, स्थिर, जो चल न सके। मेघ, बादल। पथ, रास्ता। बच्चों, हम इन शब्दों के अर्थ अच्छे से याद करेंगे और इन्हें लिखकर याद करेंगे। नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे श्रुतलेख। यहाँ पे देखेंगे ये श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है? सुनकर लिखा गया। श्रुतलेख का मीनिंग होता है सुनकर लिखा गया। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे, जो आगे भी यहाँ एक्सरसाइज में आएंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अभिलाषा, उज्जवल, निर्मल, अविचल, पर्वत और गुंजित। इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है, इन्हें ध्यान से अच्छे से कम 10-10 बार इन्हें लिखेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर में 1 में क्वेश्चन आंसर हैं के में, ये हम अभी बाद में कराएंगे एक साथ, ये क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ पे ये मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे क्या है, कविता के कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सूरज सा, मैं सा, चमकों में, झलमल, फिर नीचे सा, दमकों में, मेरी यह है। तो हम यहाँ पे कविता में से देखकर इन पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे। इन कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे हम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, सूरज सा मैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे सूरज सा दमकों में। हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ दमकों, ये वाला शब्द लिखेंगे दमकों में। नेक्स्ट सा चमकों में, सा चमकों में लास्ट वर्ड है, तो यहाँ पे हम इस वर्ड को लिखेंगे चंदा सा चमकों में। नेक्स्ट झलमल झलमल, यहाँ से हम देखेंगे झलमल झलमल, उज्जवल सा, तारों सा, दमकों में। फिर मेरी अभिलाषा है, मेरी यह अभिलाषा है, यहाँ पे हम लिखेंगे अभिलाषा। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आज हम यहाँ पे इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे